हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे कुद्रुन की भुजिया सब्जी, और वो भी बिना मसाले का। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होता है। आप इसको लंच बॉक्स में, बच्चों के टिफ़िन में आप इसको दे सकते हैं, और सुबह नाश्ते में पराठा के साथ बना सकते हैं। तो हमने कुद्रुन ले लिया, एकदम ले लिया धुल कर, तो सभी को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सभी कुद्रुन को हमने अच्छे से कट कर लिया है। हमने इसको लंबे साइज में कट कर लिया है। एक कुद्रुन में से चार हिस्से कर दिए हैं। अब कोई सभी शेप कट कर सकते हैं, इसको राउंड में भी कर सकते हैं। तो हमने लंबे में इसको कट कर लिया, तो आप भी ऐसे ही कट कर लेंगे। और हमने थोड़ा सा अजवाइन लिया है, लहसुन को बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्ची बारीक कट किया है, और दो प्याज लिए हैं, उनको भी हमने लंबे साइज में कट कर लिया है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे सब्जी। और तेल गरम होने के लिए डाल दिया है सरसों का तेल। तेल गरम हो चुका है, तो लहसुन हमने डाल दिया। तो लहसुन को हल्का सा भून लेंगे। अब उसमें हम डाल देते हैं अजवाइन। अजवाइन जो है आधा छोटा चम्मच से भी कम डाले हैं। अब साथ में इसमें हम ऐड कर देते हैं कटे हुए प्याज। हम इसमें टमाटर का यूज नहीं करेंगे, बिना टमाटर का ही बनाएंगे हम। तो प्याज हमने डाल दिया है। अच्छे से सभी को मिक्स कर लेते हैं, और हल्का सा भून जाएगा तब इसमें हम कुद्रुन ऐड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज हल्का सा भून गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए कुद्रुन। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी बनकर तैयार होता है। तो सभी कुद्रुन को हमने कढ़ाई में डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है इसका भुजिया सब्जी बनाने का। तो ये देखिए दोस्तों, मिक्स हो चुका है। अभी इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब इसको एक मिनट तक हम भून लेते हैं, तो ढक देंगे। एक मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, एक मिनट हो चुका है, अभी ढक्कन हटा देते हैं। तो अब इसको चला देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुद्रुन जो है हल्का सा भून गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब डाल देते हैं कटा हुआ हरा मिर्च। हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि भुजिया सब्जी थोड़ा तीखा बनाएंगे। आप तीखा कम खाते हो तो मिर्ची का यूज कम करेंगे। नमक डाल दिए हैं थोड़ा सा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो इसको हम ढक देते हैं। और नमक जो है थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि पक जाने पर ज़्यादा लगता है। तो थोड़ी देर बाद हम ढक्कन हटाकर एक बार चला देते हैं कुद्रुन को। तो ये देखिए दोस्तों, हल्का हल्का सा भुनने लगा है। पक भी चुका है, तो थोड़ी देर और हम इसको पका लेंगे, ताकि हल्का सा भुन जाए। तो ढक्कन हटाते हैं। तो ये देखिए, कुद्रुन का कलर जो चेंज हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और चटपटा कुद्रुन की सब्जी बनकर तैयार हुआ है। चला देंगे। लोहे की कढ़ाई में जो बहुत ही आसानी से बन जाता है ये सब्जी। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई भी है तो उसमें भी आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए, कुद्रुन की सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो हमने कुद्रुन की सब्ज़ी को प्लेट में सर्व कर लिया है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि कितना टेस्टी चटपटा बनकर तैयार हुआ है। मतलब 10 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बताएं कि आपको ये कुद्रुन की चटपटी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी है। हम आपके लिए ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी लाते रहेंगे, तो आप इसको बनाइए और गर्म गर्म पराठे के साथ खाइए इस सब्जी को। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी स्वादिष्ट चटपटी रेसिपी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।